हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राहुल आईएएस ऑफिसर क्लास 16 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ ये वीडियो बनाया हुआ है, और इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी और पूरी प्रॉपर कंप्लीट प्लानिंग के साथ मैं आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जिसमें आप लोग इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स के लिए आपकी काफी हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक हेल्प करूंगा कि आप लोग डिसाइड करेंगे आपको इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन पेपर देना है नहीं देना है, इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके से होगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, आपके प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा अभी इस वीडियो में, और नेक्स्ट आपके स्टेज सेकंड के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको, स्टेज थर्ड के बारे में भी, नेक्स्ट स्टेज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स फोकस कर रहा हूँ, और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। प्रीलिम्स का एनालिसिस किया हुआ है मैंने जनरल स्टडी के पेपर के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए हैं, जैसे आपके कंसिस्टेंट हार्डवर्क के बारे में आपको बताऊंगा मैं, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू अटेम्प्ट इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स पेपर, मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनने इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया है बहुत अच्छे स्कोर के साथ, उनने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे अपने पेपर को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आपके शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंस क्या होंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन आपको किस तरीके से करने हैं, और सिलेक्टिव स्टडी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, लास्ट आपके काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, अप्रैल से आपको जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको किस तरीके से सिलेक्टिव स्टडी करनी है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा मैं, और जनरल स्टडी पेपर के बारे में, लास्ट ईयर और आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, क्लियर। तो ये मैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला मैंने पॉइंट यहाँ पे कवर किया है डिसीजन फॉर इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनको इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, कोई भी आप लोग वर्क अकम्प्लिश करेंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेडिकेशन और कंटिन्यूस एफर्ट फॉर हार्डवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हैं या नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट कवर किया है, यहाँ पे गेट स्कोर आपका अगर मोर देन 60% है तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपका टेक्निकल यहाँ पे अच्छा हो रखा है, क्लियर। आप पहले से बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्टिव आपने स्टडी कर रखी है, आप थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्लियर। सेकंड आपका अगर स्कोर आपका 60% से कम है तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि आपको टेक्निकल पढ़ना है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिख दिए इनके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, सिलेक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन योर डेडिकेशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट और हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा, क्लियर। अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तो आप श्योर शॉर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, जरूरी नहीं है आपका इस साल एग्जाम होगा, आज सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपकी एक रैंक आएगी, क्लियर। मान लीजिए आपका एक लेवल है, इस लेवल पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका ये आपका सिलेक्शन का लेवल है, इस लेवल पर आपको पहुंचना पड़ेगा, इस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इस साल जरूरी है आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, क्लियर। पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर दीजिए पूरी डेडिकेशन के साथ, और यहाँ पर रुकिए मत अदर एग्जाम से प्रिपरेशन करने और दूसरे में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और इस प्रिपरेशन को बहुत आगे तक बढ़ाइए और श्योर शॉट आपका होगा 2022 में आपका इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से सिलेक्शन होते हैं, जो ड्रॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं स्ट्रेटजी, अगर एक साल नहीं हुआ तो कंटिन्यूस उसको करते हैं सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। दूसरे साल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है श्योर शॉट, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं यहाँ पर, उन गलतियों से सीखना है हमें और किस तरीके से सीखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। तो आपको परेशान नहीं होने वाला है, और आपका स्कोर अच्छा है, गेट में स्कोर बहुत अच्छा आया हुआ है, मतलब आपका टेक्निकल आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं गेट में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं वो, और इंडियन सर्विस के लिए उनका इतना डेडिकेशन नहीं रहता तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्लियर। ये टोटली आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन नहीं होना, अगर आप लोग डिसाइड करेंगे तो आपके आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए और कंटिन्यूस आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं और एफर्ट दे सकते हैं इंग्लिश सर्विस एग्जाम के लिए, आपको श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेके, एग्जाम से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, बेसिकली आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस स्टेज पे आके बैठे हुए हैं, तो आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें प्रीलिम्स के, तो आपको दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, एक ही दिन में होंगे आपके दोनों पेपर। पेपर फर्स्ट में होगा जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मैथ्स और प्लस एप्टीट्यूड भी होगा, ये आप गेट में कवर कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप लिए, मतलब आपका 20% सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, 80% जो आपका सिलेबस होगा जनरल स्टडी का वो मैं कवर करा दूंगा आपको, मैथ्स और एप्टीट्यूड के साथ पे भी कवर करा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, और टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो क्लास नोट्स हो सकते हैं उनको कंबाइन करके मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाए थे आपके 2017 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और
इसके बाद मैंने 17, 18, 19 और 20 तक के जो भी क्लास नोट्स हो सकते थे उनको बिल्कुल रिफाइन करके बहुत इस तरीके से नोट बनाया। अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं तो मिनिमम मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जनरल स्टडी के मेरे नोट्स से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग मेरे नोट्स से फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकल आप लोग पढ़िए, बहुत इस तरीके से पढ़िए और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन पर। देखते हैं आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए आपके 100 और 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 200। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं 150 रहे, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको सेकंड, और ये आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे टोटल 500 मार्क्स आपको होंगे प्रीलिम्स, ये आपके मार्क्स ऐड होंगे आपके स्टेज सेकंड में आपके मेंस के लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते कि आपको जनरल स्टडी कम पढ़ना, नहीं आपको टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जनरल स्टडी फोकस करना है, पैरेलल दोनों सब्जेक्ट को अभी स्टडी करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं जनरल स्टडी, आपको पैरेलल पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, और ईच क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 की माइनस मार्किंग, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज पे और आपको प्रॉपर एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। और जो भी अगर प्रीलिम्स से क्वालिफाई होते हैं वो उनके लिए आईएएस के एडमिट कार्ड मिलेगा मेंस के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो लास्ट मैंने 3 ईयर्स के सिनेरियो देखे हुए वहाँ पे 17, 18, 19 और 20 के भी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ और 2021 प्रीलिम्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपको मिनिमम आपको 200 के अबव आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, 200 एंड 210 तक हो सकता है आपको जनरल कैटेगरी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मतलब आपको मिनिमम आपको 45% टू 50% लेके आना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो लगभग लगभग आपके 45 टू 50% के अप्रोक्सीमेट उनके मार्क्स आते हैं, मतलब 250 के अप्रोक्सीमेट आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, इतना टारगेट करना पड़ेगा। इतना टारगेट करने के लिए आपको इतना अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आप 75% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएं, 75 टू 80% आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तभी जाके आपके 62 65% क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं आपके। क्लियर, तो आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी बात करूंगा मैं। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपेयर टू सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े कट ऑफ ज्यादा जाते हैं प्रीलिम्स में, देख सकते हैं आपके लास्ट ईयर्स के भी सिनेरियो ये रहे हैं आपके, उसी सिनेरियो बेस में मैंने आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए हैं। अब इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रॉपर एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं आपका। तो सेल्फ एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और सेकंड स्टेज की बात करें, ये मेंस एग्जाम रहता है, इसमें पेपर फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, दोनों आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से होंगे आपके, और इसमें 5 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, 3 आवर्स 3 आवर्स। और इसके बारे में प्रॉपर स्टडी हम लोग बाद में फॉलो करेंगे। अगर आप लोग रिपीटर्स हैं, 1-2 साल आप लोग लास्ट ईयर भी आप इंजीनियरिंग एग्जाम में पेपर दे चुके हैं, तो आप लोग मेंस की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर, तो आपके मेंस के जो क्वेश्चन वो भी लगा सकते हैं लास्ट ईयर्स के। और जो आप फ्रेशर्स हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करिए, जो भी टॉपिक आपके गेट में आपको कवर कर रखे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करिए। प्रीलिम्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फिर इसके बाद आप लोग मेंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, कम है टाइम, लेकिन अभी भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। स्टेज थर्ड के बारे में हम लोग लास्ट में एक वीडियो में बना दूंगा इसके सेपरेट, तो ये आपको फाइनल स्टेज रहती है जिसमें ये रिक्रूटमेंट की फाइनल स्टेज है, और इसमें आपका 200 मार्क्स का रहेगा आपको। क्लियर, तो टोटल आपका अगर ऐड करें स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आपका 1300 मार्क्स का ही रहता है। और इसमें आपका मिनिमम जो लास्ट कट ऑफ जाते हैं आपके, वो 50% से आपके 55% तक आपके सिलेक्शन हो जाता है सारे स्टूडेंट के, इतना परसेंटेज मार्क्स आप लोग गेन करते हैं तो मोर देन सफिशियंट आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना रहेगा तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। अगर आप लोग बहुत इस तरीके से सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, भले ही आप लोग टैलेंटेड हो नहीं हो, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। क्लियर, बहुत प्राइवेट जितने भी इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन के बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। क्लियर, प्राइवेट जरूरी नहीं है आप लोग IIT से पढ़े हैं, NIT से पढ़े हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा कि आपने लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है या अदरवाइज नहीं किया। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने कवर किया शेड्यूल ऑफ द एग्जाम, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। 18 जुलाई 2021 को आपका प्रीलिम्स का पेपर है, पहला पेपर है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 3.5 महीने बचे हुए हैं आपके पास, और ये बहुत कम टाइम है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपके लिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है प्री और कितने घंटे पढ़ना है आपको मेंस के लिए। आप फ्रेशर्स हैं आप और या फिर आप रिपीटर्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम आप लोग 8 घंटे, आप लोग मिनिमम 8 घंटे अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, इन्हें सबसे एग्जामिनेशन कम्पिटिशन कम नहीं है। ठीक है, मेन्स का एग्जाम जैसे आप लोग देख रहे हैं 10th ऑफ अक्टूबर है, तो आपके इसके बीच में टाइम बहुत कम मिलेगा आपको लिए। क्लियर,
अगर सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एनालिसिस। जनरल स्टडी के बारे में बात करें तो देखिए आप लोग, कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार 26 क्वेश्चन भी पूछे गए थे यहाँ पे, 26 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, और लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रही रहे। क्लियर। अगर वेटेज की बात करें तो एनर्जी एंड एनवायरमेंट का काफी अच्छा वेटेज है, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं आपके, 9 और 10, 11, 12 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काफी अच्छा वेटेज है, लास्ट ईयर क्वेश्चन कम आए लेकिन आपके इस बार लास्ट ईयर क्वेश्चन आपके 11 क्वेश्चन थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है, तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल है, इसमें भी इनको आप लोग स्किप नहीं कर सकते, इन सब्जेक्ट को एटलीस्ट पढ़िए। जैसे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, इनके भी वेटेज काफी ज्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पर कॉमन अगर आप लोग देखेंगे तो कॉमन जितने भी सब्जेक्ट आपके 10 सब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो अगर क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं आपके और 10 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, लगभग लगभग सभी ये क्वेश्चन आपके 8 से लेके 12 के बीच में, या 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन, इस तरीके से 12 से 13 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो 8 से लेके 12 क्वेश्चन के बीच में आप लगभग लाई करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग नहीं स्किप कर सकते। अगर इंपॉर्टेंट के टर्म्स में देखें, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया, मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एनवायरमेंट, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ने हैं। क्लियर। तो आप इस तरीके से मैंने जो आपको बताया है, इन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी के बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और एक टाइम टेबल बना लीजिए, फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस पर्टिकुलर, जैसे हमें 8 घंटे पढ़ना है एक दिन में, तो हमें मिनिमम 1 या 2 घंटे, मिनिमम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ 1 घंटे भी आप देते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। रेस्ट आप 7 आवर्स आपको दे सकते हैं अपने टेक्निकल में, लेकिन ये 1 घंटा आपको कंटिन्यूस देना है और पर डे पढ़ना है आपको। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। एक मैं आपको सिंपल सा ग्राफ बनाऊँ, ये इसके बारे में बहुत पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका टाइम है और ये आपका सक्सेस है। क्लियर। आपको मान लीजिए सिलेक्शन होना है, हम रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स चाहिए आपके, और 60% मार्क्स का लेवल यहाँ पे पहुंचा है, ये आपका 20, 40 और ये आपका 60, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप फ्रेशर्स हैं, आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 20, 30 और 45% तक पहुँच सकते हैं आप लोग। मे भी आपका बहुत अच्छी तरीके से आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आप सिलेक्शन भी हो सकता है, आपका 60% तक भी पहुँच सकते हैं। क्लियर। लेकिन आपको इस लेवल पे पहुंचने के बाद, मान लीजिए आप लोग इस साल इस लेवल पे तक पहुंच पाए, तो इस लेवल के बाद ऐसा नहीं है आपको स्किप करना है, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आके फिर दोबारा से पढ़िए, नेक्स्ट ईयर से पढ़िए, आपको 2022 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सोर्स आउट आपके 60% मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्लियर। तो आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर पढ़िए, कंटिन्यूस पढ़िए और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए। आपके हार्ड वर्क पे, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करेगा कि आपको इन्हीं सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, और उसको आप बैठिए प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से आप एक बुकलेट भी डाउनलोड, OMS सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रॉपर OMS सीट पर ही बैठ के जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न हुआ है इंडियन सर्विस एग्जाम का, उसी तरीके से आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए। ऑनलाइन देने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन इसके प्रिंट आउट निकालिए और एक साथ आपने ORM सीट हुई, और प्रॉपर आपके 2 घंटे दीजिए, जैसे फर्स्ट पेपर दे रहे हैं 30 घंटे को, दूसरा पेपर दे रहे हैं तो उसको 3 घंटे दीजिए, और प्रॉपर फर्स्ट सिटिंग में आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। सिर्फ 2 घंटे आपको घड़ी के हिसाब से बैठ के प्रॉपर करके आपको पूरे सारे बबल फिल करने हैं। क्लियर। तो टेस्ट सीरीज आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके सेल्फ एनालिसिस में भी काफी हेल्पफुल होगी। आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ पे आपने क्वेश्चन गलत किए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो वो आप जो क्वेश्चन सही किए हैं, जो आपका एरिया है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया पता चल जाएगा, आपको वीक एरिया पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसमें जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, उनके बारे में एक बार अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो आपकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से इंप्रूव होगी। टेस्ट सीरीज जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, इसमें आपके कितने मार्क्स आए, क्या वीक एरिया रहा, सेकंड टेस्ट कितने मार्क्स आए, कितना वीक एरिया रहा, ये प्रॉपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक चार्ट बना के रख लीजिए, इस तरीके से चार्ट में आप लिखिए कि मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया जनरल स्टडी का, फर्स्ट टेस्ट दिया मैंने यहाँ पे अपना टेक्निकल का, ठीक है, ये आपका जनरल स्टडीज का हो गया। तो फर्स्ट सेट में आपके कितने मार्क्स आए, क्लियर, वीक एरियाज कौन कौन से थे उनको आप दोबारा से पढ़ते रहेंगे, टेक्निकल में आपके वीक एरियाज क्या क्या थे, सेकेंड टेस्ट दिया, थर्ड टेस्ट दिया, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए, दीजिए, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दे सकते हैं आप लोग। क्लियर। तो जो आपकी आपकी परफॉर्मेंस होगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से सुधरने वाली है। गेट में आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर रहे थे, और नॉर्मली भी आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, तो उसके आप प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देता हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स पेपर।
ये मैंने जैसे अपना बुकलेट ओपन किया, आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकंड पेज है। क्लियर, जैसे आप लोग देखेंगे फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सेकंड पे भी 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं आपके। क्लियर, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, और अपने राइट साइड में आपको आपको रखना है OMS सीट। आपने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है, जैसे मान लीजिए इसका बी है तो आपने बी फिल कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट किया इसका सी मिला आपको, सी अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन थर्ड आपको लग रहा है कि मुझसे होगा ही नहीं तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, आप उससे होगा नहीं आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप 2 घंटे बाद भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, आप ये नहीं कर अटेम्प्ट कर पाएंगे तो उसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको शायद बाद में अटेम्प्ट करूंगा, आप उसको गोला कर दीजिए, आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए, मतलब ये हम नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे देखेंगे इसको तो हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। 2 घंटे बाद बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं आप, इसको ही क्वेश्चन को पढ़ने लगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन हमें आ रहा है, मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, मार्क कर दिया, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्लियर, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। ये मार्क बबल आपको एक साथ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो भी 2 पेजेस में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं उनको आपको एक साथ मार्क करना है। जैसे मैंने 12 क्वेश्चन कर लिए तो 12 क्वेश्चन तक आप लोग सारे बबल फिल कर दीजिए। क्लियर, इस OMS सीट को एक तरफ खिसका दीजिए, फिर से पेज पलटिए और फिर 13 से लेकर 15 तक या 20 तक जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिए, फिर यहाँ पे बबल फिल करना स्टार्ट करिए। एक एक बबल, एक एक क्वेश्चन के लिए बबल नहीं बनना है, यहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा आपका। क्लियर, और या फिर आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी बबल नहीं बनना है यहाँ पे। क्लियर, जितना भी हो सकता है जितना भी पोर्शन आप लोग कवर कर सकते हैं, हम मैं तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था कि 2 पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए उनको सारे का अटेम्प्ट करने के बाद बबल भर देता था, फिर नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट पेज ओपन करता था, फिर नेक्स्ट मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हुए जितने भी क्वेश्चन हुए आपके 7-8 जो भी क्वेश्चन हुए उनको सारे का अटेम्प्ट करने के बाद बबल भर देता था। लास्ट टाइम में मेरे पास एक प्रेशर नहीं होता था कि हमें बबल फिल करना है। लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं वो, और उनको जैसे मान लीजिए 5 से 7 मिनट चाहिए बबल भरने के लिए और उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया तो बहुत सारे बबल छूट भी जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से क्या होगा, आपने जैसे क्रॉस कर दिया आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं और उसमें कम टाइम आपके पास जितना भी टाइम बचा रहेगा उसमें आप इन क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने की जो मैंने आपको बता दी है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप ये प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, जितने बार आपने पेपर अटेम्प्ट कर रखा होगा, टेस्ट सीरीज दे रखी होगी, सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। क्लियर, चलिए देखते हैं आप किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनको टैकल करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रीड द इंटायर क्वेश्चन। बहुत बार होता है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग को ब्रैकेट में दे रखते हैं कि क्लो आर्ट क्लोज वुड, इस तरीके से हम लोग कई बार हम लोग यूनिट्स पर भी ध्यान नहीं रखते, तो आपको क्वेश्चन भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है और आंसर भी जो आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, सॉरी ऑप्शंस भी जो दे रखे हैं आपको उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कई बार होता है काफी टफ क्वेश्चन होते हैं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको कई बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमें ये दोनों आंसर सही है तो उसमें जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल लगता हो आंसर वो आपको चूज करना है। रीड एवरी आंसर ऑप्शन, आपको ये नहीं है जो आपको आंसर मिल गया आपने सॉल्व किया और आपको जो भी आंसर मिला आपने उस पर टिक कर दिया, या फिर आप लोग जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसमें जो भी आपको लग रहा है आपने उस पर टिक कर दिया, नहीं, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपको जैसे ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन तक पढ़ा, आपको सी ऑप्शन लगा तो आपने सी टिक कर दिया, डी ऑप्शन आपने पढ़ा ही नहीं, शायद आपकी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपका डी हो, तो आपको इसको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, टाइम बचाना नहीं है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, जो आपको मिनिमम टाइम आपका कंज्यूम हो गई होगा लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपको जो 1.2 या फिर 1.5 जो मिनट्स लगे आपको ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको माइनस के 0.33 मार्क्स आपको और मिलेंगे इस पर। क्लियर, तो ये नहीं करना है आपको। और मेक अगर आपको लगाना है तो थोड़ा बहुत एजुकेटेड गैस लगाइए, अदरवाइज आपको गैस लगाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश सर्विस एग्जामिनेशन में पेपर को बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले को सेट किया जाता है, तो गैस बहुत कम लगाइए, जितना हो सकते अवॉइड करिए गैस लगाने पर। लगा रहे हैं तो अपने एजुकेटेड गेस लगाइए। देखिए, डू नॉट सेलेक्ट, अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना ऑल ऑफ द एवम और नन ऑफ द एवम में काफी कंफ्यूज रहता है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग ऑल ऑफ द एवम का आपका ऑप्शन आ रहा है, आपको सेलेक्ट नहीं करना। इफ यू आर प्रीटी श्योर ओनली वन ऑफ द आंसर प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट, आपको लग रहा है कोई एक आंसर बहुत बिल्कुल एक आंसर आपको एक ऑप्शन लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको ऑल ऑफ द एवम पर टिक नहीं करना है। ऑल ऑफ द एवम करेक्ट है मतलब आपका मतलब है उसमें से कोई गलत निकल गया तो जरूरी नहीं आपका ऑल ऑफ द एवम हो गई होगा। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करना। नन ऑफ द एवम, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सही है, कोई ऑप्शन आपको जो लग रहा है वो सही है, तो आप नन ऑफ द एवम हो गई नहीं ना, तो इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करिए आप कि ऑल ऑफ द एवम और नन ऑफ द एवम को टिक करने से पहले ये सारी चीजें श्योर कर लीजिए आप लोग कि एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन सही होना, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत होना चाहिए, एक ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप लोग ऑल ऑफ द एवम नन ऑफ द एवम कर सकते हैं। असेशनल रीजन को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, तो जब एसेशन में जो भी स्टेटमेंट दे रहा था वो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है,
उसको पढ़िए और समझिए। अगर वो गलत है तो आप ऑप्शन सी पे जा सकते हैं कि आपका ऑप्शन ये आपका ये असेशन गलत है, रीजन सही है। क्लियर? तो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दोनों को अच्छे तरीके से एज ए स्टेटमेंट पढ़ा और आपको लग रहा है रीजन गलत है, तो आपका असेशन सही होगा। यहाँ पर आपका ये सही है और ये गलत है, आपका असेशन गलत है, तो रीजन ऑब्वियसली सही होगा, लेकिन दोनों सही है। और सिंपल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे लगाइए बिकॉज, रीजन आपका प्रॉपर असेशन का एक एक्सप्लेनेशन होता है, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन। तो अब यहाँ पे अगर ये एक्सप्लेन कर रहा पा रहा है, बहुत इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए सही है और दूसरा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, अदरवाइज आप ऑप्शन बी की तरफ जा पाएंगे। तो ये थोड़ा एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करिए जब आप लोग असेशन रीजन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर? तो ये थोड़ी थोड़ी बहुत बारीक सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव तभी होंगी जब आप लोग प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से जितने भी हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स टेस्ट दीजिए और अपना प्रॉपर एनालिसिस करिए और ऐसे एनालिसिस को इम्प्रूव कर पाएंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। आपके कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या क्या गलती कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स का काफी इंपॉर्टेंस होता है। सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बहुत वास्ट है, आपका ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि शॉर्ट नोट्स में टाइम वेस्ट होता है, लिखने से हम कई बार बहुत सारी चीजें याद भी रख पाते हैं। क्लियर? जब आप लास्ट टाइम पे आपके पास पता नहीं होगा, आपके पास मान लीजिए 3 या 4 दिन का टाइम बचा आपके पास और आपको लग रहा है नहीं हमें अब हमें एक बार रिविजन करने लेना, तो इतना टाइम में आप लोग अपने सारे नोट्स, कोचिंग नोट्स या फिर अपने सेल्फ स्टडी नोट्स आप एक बार में नहीं पलट पाएंगे। तो प्रॉपर जो भी आप चीजें भूल रहे हैं एटलीस्ट उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कोई कंसेप्ट लिखा है, कोई फॉर्मूला लिखा है, एटलीस्ट उनके नोट्स बना लीजिए, सारे फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन और जो बहुत सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, रिविजन करने में काफी ईजी होता है। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रेफर करूंगा, अपने अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स A4 साइज के पेपर बनाइए, यहाँ से बीच में लाइन खींच के यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स आप लोग A4 शीट में बनाइए और शॉर्ट नोट्स अपने एक सब्जेक्ट के आप लोग ज्यादा ज्यादा 4 से 5 पेज में अपने कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? तो स्टेपल करके रख सकते हैं इनको, तो आपके शॉर्ट नोट्स कवर हो गए और इन शॉर्ट नोट्स को बहुत कम पेज में आपने लिखा है तो बहुत जल्दी से आप लोग इनको रिकॉल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं आप लोग छोटी सी आपने डायरी ले ली उसमें पूरी डायरी भर दी बाद में शॉर्ट नोट्स लिखते लिखते, फिर डायरी को पलटने में आपको टाइम लगेगा ना, तो आपको टाइम भी बचाना है और हमें चीजें देखनी भी है और इनको रिकॉल भी करना है। तो शॉर्ट नोट्स A4 साइज के पेपर बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से बनाइए, टू द पॉइंट चीजें लिखिए और जो आप चीजें ज्यादा भूल रहे हैं उनको जरूर लिखिए और यहाँ पे लास्ट में अपनी जगह भी छोड़ सकते हैं थोड़ी बहुत। क्लियर? और A4 साइज के पेपर में लिख रहे हैं तो हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं, स्टेबल करके रखिए बस ये सारे पेसेस को। क्लियर? तो आपके जो भी आपके टेस्ट सीरीज में जो भी आपकी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आप भूल रहे हैं, कुछ भी नए कंसेप्ट आ रहे हैं, तो उनको ऐड भी कर सकते हैं। इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ रहे हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स आपके प्रीवियस ईयर के हो गए, नेक्स्ट ईयर की इसके पीछे भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। शॉर्ट नोट्स प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही बनाइए, ऐसा नहीं कुछ भी बना लिया आपने। क्लियर? प्रैक्टिस एंड रिविजन, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, रिपीटर्स का सिलेक्शन इसलिए हो पाता है उनके पास इतना टाइम बच जाता है कि वो प्रैक्टिस कर पाते हैं और रिवीजन कर पाते हैं अपने, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, सारे के सारे टेस्ट देने हैं आपको, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस कि आप जितनी मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस के हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, लास्ट की आपके 20 ईयर्स के इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चन लगा लीजिए एक बार। क्लियर? और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें, उनको दोबारा से देखिए, सोल्यूशन देखिए, उनको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और उनके सारे कंसेप्ट आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में टैकल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके जो आपकी जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे आपसे वो अपने शॉर्ट नोट्स में रखे हैं, उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। और रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर हर एक वीक के बाद अपना एक टाइम निकाल लीजिए कि मैंने 6 दिन पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, एक दिन मैं आपको रिवीजन पर निकालूंगा और इस दिन मैं अपना हाफ ऑफ द टाइम अपना पूरा या फुल टाइम अपना पूरा रिवीजन पे दूंगा, क्योंकि लास्ट का 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जैसे 5वां सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, चौथा है 5वां सब्जेक्ट, तो पहले दूसरे तीसरे सब्जेक्ट के कंसेप्ट और फॉर्मूले भूलने लगते हैं, तो इनको एक दिन दीजिए, इनको रिवाइज करिए अच्छे तरीके से। या फिर 5वां सब्जेक्ट उठाइए, फिर आप जब 6वां 7वां सब्जेक्ट पढ़ा तो 8वां सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, तो 1 से लेकर 7 सब्जेक्ट जितना भी हो सकता है उनको प्रॉपर सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट रिवाइज करिए उनको, तब आपका क्लियर होगा कि आपके सारे प्रीवियस सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव स्टडी, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, अपने नोट्स बना के रखिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं उनको सेलेक्टिव पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं बहुत सारी अपने बुक्स लेके रखी हुई है, बहुत सारे नोट्स लेके रखे हुए हैं, ये वो नहीं, सारी चीज़ें सेलेक्टिव होनी चाहिए आपके पास और प्रॉपर होनी चाहिए, उनके बाद अपने शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके टू द पॉइंट्स होने ही चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी करनी, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेट से बुक से इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप NPTEL से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है और किसी कंसेप्ट किसी प्रॉपर टॉपिक में आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, तब आप लोग बुक्स का और NPTEL के थ्रू पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिलेक्टिव स्टडी करिए। टाइम मैनेजमेंट,
डेडिकेशन की जब बात होती है ना, तो वहाँ पे आता है टाइम मैनेजमेंट आपका। आपने आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 8 घंटे, आज मैंने बताया ये वीडियो आपने देखा पूरा, और आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मैं 8 8 घंटे पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है आपको 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे आपको पर डे पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? 8 से 10 घंटे, ऐसा नहीं एक दिन 2 दिन पढ़ लिया फिर इसका देख रेस्ट कर लिया एक दिन, ऐसा नहीं चलेगा। टाइम प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप कब कन्वीनियंट है पढ़ने के लिए, रात में या दिन में, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर एक अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए कि हमें इतने घंटे मिनिमम पढ़ना ही है, हम सिलेक्शन चाहिए तो हमें इतने घंटे में पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं बैठे हुए बिल्कुल घंटे गिन रहे हैं कि हमें 8 घंटे हो गए, 8 घंटे मैंने पढ़ लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है नहीं पढ़ पा रहे, आपका बोर हो गए आपका, तो रिलैक्स करिए थोड़ी देर, 1 2 घंटे रिलैक्स करिए। 24 घंटे में 8 घंटे निकालना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है? तो जब आपका माइंड फ्रेश हो, बहुत अच्छी तरीके से आप अच्छा फील कर रहे हो, तभी पढ़िए और उसको पूरा का पूरा रिकॉल करिए दोबारा से पढ़ने के बाद। तो टाइम मैनेजमेंट आप पर डिपेंड करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो करिए। फोकस ऑन जनरल स्टडी पेपर, ये आपका 200 मार्क्स का है, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, पढ़िए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतने इसमें ही पढ़िए, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 1 घंटे आप लोग पर डे पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए तो आप इसके टच में रहेंगे। ठीक है? सोचेंगे कि लास्ट में मैं लास्ट के 15 10 15 दिन में पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जनरल स्टडी में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है चीज़ें। ठीक है? जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे आप पर डे 1 1 घंटे, तो आपको लगता रहेगा नहीं नहीं काफी कम है, तो आप लोग ऑब्वियस है कि आप इसमें सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर काफी वेटेज रहता है इनका, मिनिमम आपको बता दे रहा हूँ 10% क्वेश्चन लास्ट ईयर के अगर आपने लगा लिए हैं, 10% क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिल जाएंगे। और अगर आपने सारे कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन लगाएंगे ना, लास्ट 10 ईयर्स के या 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगाए हुए, तो मिनिमम आपके 40% क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के कंसेप्ट से या फिर लास्ट ईयर के जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो 40% आपको चाहिए कितना है, 50% 60% और 60% है, 40% आपको यहीं से मिल रहा है। ये देखिए, ये होती है इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। तो आपको ऐसा नहीं है कि सॉल्व करना है, सोल्यूशन देख लिया सॉल्व हो गया, नहीं, उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट दिए हैं वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, डेप्थ में वो थ्योरी पता होनी चाहिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन 2021। अभी किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मेल कर सकते हैं rahulvarmais2016@gmail.com पे, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें, सिलेक्शन हो आप लोगों का, और जनरल स्टडी में किसी भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं आपका। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।